जब आपने एक दफा इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने इंसान भी कर ली कि हाँ मैं जो इस वक्त स्ट्रेस की स्ट्रेस में हूँ और ये नॉर्मल डे टू डे परेशानी जो है ये इससे ज्यादा है, तो उसमें मेरे ख्याल में दो तीन मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये है जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि आप देखें कि क्या आया मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। चाहे वो सोशल मीडिया में आप लोग रिपोर्ट करते हैं या फिर कंप्लेन करते हैं, और वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अगर वो सॉल्व हो सकती है या नहीं। दूसरी होती है कि दूसरा तरीका ये होता है कि हम अपने जज्बात को, अपने एहसास को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आपके एहसास बिल्कुल नॉर्मल है इन हालात में, लेकिन उनको मैनेज बेहतर तरीके से हमेशा किया जा सकता है। चाहे वो शॉर्ट टर्म में आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, आप लोगों से मिलें, आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में बिजी रखें, आप अपना काम पे अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें, आप रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करें जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की होती हैं। कुछ लोग नेचर में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग रूहानी या मजहबी चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा बिजी करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, लेकिन साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी इनके लिए सोचनी होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी और इमोशन फोकस जिन्हें हम कहते हैं। यानी कि आपकी ज़िंदगी की आपकी एक वर्ल्ड व्यू क्या है, आप दूसरे लोगों को किस तरह से देखते हैं, आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, आपकी अप्रोच जो है वो कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, कितनी ज़्यादा जो है आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक्टिवली, या आप चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देते हैं और विड्रॉ कर जाते हैं। तो रिसर्च ये बताती है कि जितना आप एक्टिवली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या इमोशनली तौर पर भी अपने आप को एक्टिव रखेंगे, लोगों से बातें करेंगे, अपने दिल की जो भड़ास है उसको निकालेंगे, अपने आप को एक बैलेंस लाइफ को रखेंगे जिसमें आप काम भी कर रहे हैं लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ भी, आपकी हॉबीज भी, या आपको ज़िंदगी के जो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बहुत पैशनेट होते हैं, जैसे दूसरे लोगों के लिए काम करना या कहीं पर वॉलंटियर करना या एक्सरसाइज करना या इस तरह की चीज़ें, अपने आप को बिजी रखना पॉजिटिव चीज़ों में जिसमें हम प्रोडक्टिव चीज़ें भी कर रहे हैं, अपने आप को ज़हनी तौर पर स्टिम्युलेटेड भी रख रहे हैं और साथ साथ अपने आप को रिलैक्स भी कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं, जैसे कि हॉबीज और फ्रेंड्स के साथ हम करते हैं। तो ये बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खास तौर पर सिचुएशन में जहाँ पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। और आजकल की रियलिटी ऐसी है कि बहुत सारी ज़िंदगी हमारी सोशल मीडिया पर ही गुजरती है, खासतौर पर जर्नलिस्ट की, उस वक्त और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उससे दोस्त भी आप लेते रहें और अपनी दूसरी भी ज़िंदगी के जो हिस्से हैं उनको फोकस करें।